BEL के अंदर यहाँ पे CMP में बिकवाली करे, मेरे को लग रहा है स्टॉक के अंदर यहाँ से 5 से 10 रुपए का फॉल 1 से 2 दिनों के अंदर या 2 से 3 दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। 216, 217 ऊपर में रेजिस्टेंस बनेगा, 217 का स्टॉप लॉस लगा के बिकवाली करें, 205 रुपए से लेके 202 रुपए तक के लेवल BEL के अंदर ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिलने चाहिए। मोमेंटम प्ले करने के लिए इसके अंदर सेल साइड का ट्रेड लेके काम करें। 210 का पुट अभी CMP 8 रुपए 10 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 6 रुपए का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं और ऑप्शंस में 210 के पुट के अंदर ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 10 रुपए से लेके 12 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं, और फ्यूचर्स के अंदर 205 रुपए से लेके 202 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो बिकवाली करें बी। सर शुगर एक बहुत बड़ा थीम है हमारे लिए रहा है, और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ सर कि अभी सब लोग इन्फ्लेशन की इन्फ्लेशन से डर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन अगर ऊपर हो गया तो क्या हो जाएगा, कमोडिटी प्राइसेस ऊपर बढ़ रहे हैं, ब्ला ब्ला ऑल दोस थिंग्स। सर ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आपको जितना भी एथेनॉल बनाना है उतना बिकेगा। आज मेरे ख्याल में 416 करोड़ का टेंडर निकला हुआ है जिसमें 400 करोड़ का ऑलरेडी उत्पादन हो चुका है, और अगले साल अगर हम 13% एथेनॉल ब्लेंडिंग में चले जाते हैं विच इज माइनर, 11% से 13% जाएंगे तो 600 करोड़ लीटर का डिमांड होगा, जिसका मतलब है आप 600 करोड़ में कभी भी बिक जाएगा। इंपॉर्टेंट है कि टॉप लाइन सिक्योर हो रहे हैं सेक्टर की, टॉप लाइन होगी, आप जितना बेचना चाहो एथेनॉल माल उतना बिक जाएगा। कल गडकरी जी ने क्या बोला कि अगर वो फ्लेक्स फ्यूल आ जाता है सर, जो आज 400 करोड़ लीटर की डिमांड है वो 4000 करोड़ तक चली जाएगी। अब इमेजिन कीजिए सर कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जो आपको इतना लीवे दे रहा है इन टर्म्स ऑफ द टॉप लाइन ग्रोथ, वन थिंग इंपॉर्टेंट की सेकंड, सब क्योंकि डर रहे हैं कि हम यार कि यू नो कमोडिटी इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है। लेट मी जस्ट रिमाइंड यू कि एक ऐसा सेक्टर है सर जहां पे 80% कॉस्ट आपका फिक्स्ड है, क्योंकि गन्ने से एथेनॉल बनता है, केन जो होता है 80% उसका प्राइसिंग फिक्स्ड है, तो अगर इनको फर्क पड़ता भी है तो हो सकता है 5 या 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे फर्क पड़े, बिकॉज यू नो तेल महंगा हो जाएगा आगे जाके। मैं बोल रहा हूँ कि मार्च में डीजल के भाव बढ़ जाएंगे, चलो ठीक है उसका इंपैक्ट हो सकता है। मोलासिस प्राइसेस में अभी तक भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं है, मतलब इनको कोई भी फर्क, कोई बहुत ज्यादा फर्क है जो जो इन्फ्लेशन से नहीं पड़ेगा, बिकॉज 80% कॉस्ट ऑलरेडी फिक्स्ड है सर। इंपॉर्टेंटली कमिंग टू माय स्टॉक आइडिया फॉर टुडे व्हिच इज धामपुर शुगर, अब यू नो हम हमेशा से बोलते हैं सर कि अगर आपको अच्छे से अच्छा प्लेयर लेना है इंडस्ट्री में तो आप सबसे बड़े पहले बलरामपुर पे जाओ, फिर त्रिवेणी पे जाओ, फिर कोई नीचे कोई कंपनी देखो। शुगर सेक्टर में क्या है सर, जिसके पास कैपेसिटी होगा वो राजा है, इट इज वेरी वेरी सिंपल, कैपेसिटी विल ड्राइव अर्निंग्स फॉर द कंपनीज। अभी धामपुर हमें क्यों अच्छा लग रहा है सर, बिकॉज धामपुर आज के टाइम पे बिकॉज स्टॉक्स ऑलरेडी भाग चुके हैं, रन अप ऑलरेडी हो चुका है, तो अगर मैं देखूं कि कौन सी कंपनी है जो अगर मैं 20 करोड़ लीटर के ऊपर का डिस्टिलरी कैपेसिटी देखता हूं सर, इंडिया में बहुत कंपनीज कम है जिनका कैपेसिटी 20 करोड़ लीटर से ऊपर है। बलरामपुर का मैं एक्सपेंशन के बाद बोल रहा हूं, बलरामपुर का कुछ 35 करोड़ लीटर हो जाएगा, त्रिवेणी का 22 करोड़ हो जाएगा सर, डालमिया का 21 है और धामपुर का 22 करोड़ लीटर है, और बाकी जो अवध हुआ द्वारी के शुगर उनका 11 करोड़ लीटर के आसपास है। तो आपको फोकस करना है टॉप 4 प्लेयर्स कौन से हैं जिनका 20 करोड़ लीटर से ऊपर कैपेसिटी है। सर इमेजिन कीजिए, इन टर्म्स ऑफ आरओसीज एंड ऑल आई कम टू दैट, डेट एंड ऑल आई कम टू दैट, बट एक स्टार्क डिफरेंस क्या है धामपुर और दूसरी कंपनीज में, इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक एट द मोमेंट अगर आपको कोई 20 करोड़ लीटर से कैपेसिटी ऊपर वाला स्टॉक लेना है। आज धामपुर के पास सर 70% ऑफ बलरामपुर शुगर की अवेलेबिलिटी है और 62% ऑफ बलरामपुर की डिस्ट्री है, 70% 62, इमेजिन कीजिए आज बलरामपुर का जो मार्केट कैप ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ हो गया है और धामपुर का मार्केट कैप 2600 करोड़ हो गया है, तो ऑलमोस्ट 1/4 है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस। त्रिवेणी सर, त्रिवेणी का मार्केट कैप मेरे ख्याल में आज के टाइम पे कुछ 7,000-7,500 करोड़ होगा, धामपुर का मार्केट कैप जैसे मैंने आपको बोला कि विल बी अराउंड 2,500-2,700 करोड़, बट उसका कैपेसिटी धामपुर का इज इक्विवेलेंट टू त्रिवेणी, 22 करोड़ लीटर इट इज सेम। धामपुर का जो कैपेसिटी है द्वारिकी से डबल है सर, डबल, द्वारिकी 11 करोड़ लीटर है, ये 22 करोड़ लीटर है और मार्केट कैप सिर्फ 25% ऊपर है। सो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूएशंस एंड देयर इज अ रीजन फॉर इट कि हाँ इतना डिफरेंस क्यों है। एक डीमर्जर होने वाला है सर, एक डीमर्जर होगा जहां पे आपको एक शेयर, अगर आपके पास धामपुर है तो आपको एक और शेयर मिल जाएगा दूसरी कंपनी का जिसका नाम होगा धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स। दो भाई है सर, विजय कुमार गोयल और अशोक कुमार गोयल है, ये दो भाई अपनी दो जो कंपनीज है उनको बांट रहे हैं, इसलिए लोग वेट कर रहे हैं कि ये मर्जर हो, डीमर्जर हो, डीमर्जर से मालूम चलेगा सर एक कंपनी में कुछ 400 केएलपीटी कैपेसिटी रह जाएगा, दूसरी कंपनी में 250 केएलपीटी कैपेसिटी रह जाएगा, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं कि इसका एक डीमर्जर हो जाने, तो देन वी विल टेक अ कॉल ऑन जंपिंग ऑन दिस कंपनी।
बट आजकल सर जो छोटी छोटी कंपनीज भी है जैसे अवध भी हुआ वो भी 5 टाइम पे आ गया, ये कंपनी सर आज के टाइम पे को 6-7 पी पे ट्रेड करता है, आई थिंक विच इज जस्ट अनरीजनेबल एट दिस मोमेंट। कैपेक्स ऑलरेडी कर चुके हैं सर, 314 करोड़ का कैपेक्स FY22 में इन्होंने अनाउंस किया हुआ है, 6% ब्याज पे किया है। पैट हमारे हिसाब से 230 करोड़ का 400 करोड़ हो जाएगा सर, 6-6.5 times पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। एज ए सेट की हमें कैपेसिटी है इसके पास, डीमर्जर का एक इवेंट का हो रहा है, वहां पे क्या होता है कुछ फंड मैनेजर्स को लगता है कि मैं थोड़ा बड़ा कंपनी लूंगा छोटा कंपनी नहीं लूंगा, बट एज ए सेट सर आज 10-11 करोड़ लीटर वाले को भी 6-6-7 का पी का वैल्यूएशन मिल रहा है। सो एक ये कंपनी है जो हम लोग यू नो आई थिंक इट्स अ कंपनी, गुड कंपनी विद अ साइजेबल कैपेसिटी जिसको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। और इंपॉर्टेंट क्या सर, अगर आप सर कैपेक्स पर KLPD निकालिए विच इज 1.1 करोड़, आई थिंक दैट्स द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री। सो ROC के हिसाब से भी इसका ROC सर कुछ 16-17% के आसपास बनेगा, त्रिवेणी का 20% बनता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ इसकी जो रेशियोज है बहुत खराब है, डेट इक्विटी में कुछ ज्यादा चीज नहीं है। सो इट्स अ गुड कंपनी टू यू नो स्टडी एंड यू नो चेक ऑन दिस कंपनी।